गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी, हम लोग ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको बताएंगे कि हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे विद बाइक। बाइक के साथ ये मेरा भाई है, बुआ जी के लड़के। तो हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं नैनीताल के लिए और आपको दिखाएंगे पूरा कैसा रहा है वहाँ का, अभी इस समय मौसम कैसा है। अभी तो यहाँ पे ठंड है, वहाँ पे देखेंगे किस तरह से ठंड है। और बाकी आपको पूरे रास्ते की हम लोग वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, पूरी जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें दिखाते रहेंगे पूरी जो रास्ते की वीडियोज़ है। और हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे उनका पहला एक्सपीरियंस है, आपको कैसा अभी फील हो रहा है भाई। अब आगे चल के देखते हैं, वैसे तो अभी जर्नी की शुरुआत हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी में हम स्टॉप लेके जो भी हमारा वीडियो आगे का कार्यक्रम होगा वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, थैंक यू। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और इसके आगे की जर्नी आपको बताएंगे कि हम लोग बस नैनीताल के लिए जाने वाले हैं। तब तक के लिए हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करेंगे और चाय वगैरह पियेंगे, बाकी अपडेट आपको साथ में देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। तो हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ों पे में कहीं बीच हल्द्वानी के रास्ते में। हमने थोड़ा सा अभी स्टॉप लिया है, एक थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे। यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत मौसम है। आप मेरे पीछे पहाड़ों की वादियाँ देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं सभी। और ये हमारे भाई अभी रेस्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रुके हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस यहाँ पर आकर सुकून ही सुकून। बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि आप जो पीछे देखेंगे ना ये नज़ारे, ये सारा आपका स्ट्रेस निकाल देंगे।
जो भी आप थकान घर पे भूल के आए हैं वो सब यहाँ पे आपको रिलैक्स महसूस होगा एकदम। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे नैनीताल में हम लोग मिलेंगे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जाते हुए इधर इधर देखिए कि आप जा रहे हैं, उसके उधर चाइना है, उसके उधर हिमालय रेंज अलास्का के पास, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बस घूमते रहिए, बस यही नज़ारा बनते हैं आज के चलते Thank you.
जाने वाले हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं हम यहाँ पर एंट्री कर गए हैं, यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। कहाँ पर? नैनीताल में, नैनीताल में। और ये देखिए आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, आप मछलियों का वो दिखाइए। हाँ, रमेश भाई। और ये देखिए झील के पास मछली देखिए। मछली यहाँ पे, ये मछली इस वजह से घूमने के लिए यहाँ पे मछलियों के लिए चारा दिया जाता है। रोटी के टुकड़े होते हैं, आटे के टुकड़े, तो वो दिए जाते हैं, तो मछली यहाँ पे खाते हैं। ये देख सकते हैं लोग यहाँ पे बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। रख दो सर, ये देखिए। वाओ, ये देखिए, ये देखिए। थोड़ा सावधानी से बनाएं, मोबाइल भी आपका जा सकता है, फिर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। मिलने की तो भूल ही गया। हाँ, वही तो। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग। अब हम लोग नैनीताल पहुँच चुके हैं और आगे हम लोग सोच रहे हैं कि एक माउंटेन व्यू पॉइंट है यहाँ पे, तो हम वो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। वहाँ पे देखेंगे इस बार, अगर मौसम अच्छा है तो हो सकता है हमें जो हिमालयन रेंज के माउंटेन्स हैं वो देखने को मिले। देखिए फिलहाल बहाल ये नज़ारे, बोटिंग वगैरह की सुविधा भी है। ये नज़ारे देखिए पूरा, तो इस समय मौसम बहुत बढ़िया, तो ये घूमने के लिए बहुत ही बेहतर जगह है। ठीक है भाई, चलो। तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए रेडी हैं भाई। ऑल गुड, कैसा लग रहा है भाई बोटिंग के एक्सपीरियंस लेते हुए? नैनीताल आए बोटिंग नहीं की, सही बात है। ये देखिए वाह, पानी देखे ठंडू है, अरे बड़ा चिल्ड है पानी। वाह, ऑल गुड भाई। हेलो, और भाई बहुत मज़ा आ रहा है देखें। अरे यार, पानी में इसको फालतू में हाथ डाल दिया। ठंडा हो गया, मछली जैसी नहीं, बदबू आ रही है। वैसे ही आती है फायदा हुआ पानी है। अच्छा, पानी आता कहाँ से?
कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ गया, बिल्कुल एक्साइट हो रही है, साथ साथ एंजॉय भी हो रहा है। अभी सीजन होता तो आपको एंजॉय नहीं हो पाता, खाली बैठे रहते। भैया आपका नंबर ले लेंगे हम, अगली बार आएंगे आपके हिसाब के साथ ही आएंगे। आपने कहा लोग इतना घुमा तक दिया। दो चक्कू चला लो ये वाले। हाँ ये दोनों चला। मैंने जब हमें बैटिंग हो यानी कि बोटें ज़्यादा होती हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, फिर कोई जाए ना जाए क्या फ़ायदा है फिर? तुम 210 का एंजॉय। ये वाले दोनों चलाओ भाई, मज़ा आ गया, शुक्रिया सर, पूरा ही एक्सरसाइज हो गई। वाह यहाँ से
ठीक है, वो दिख रही है हिमालयन रेंज, ये आगे थोड़ा हो रहा है, ये हम लोग जहाँ पे हम लोग का आने का वो था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे तमाम जो रेंजेस हैं फेशियल रेंज और ऊपर चलें थोड़ा एक आध किलोमीटर रेंज हम सब आपको यहाँ पे विजिबल दिख रहे होंगे ना, एक आध किलोमीटर और चलें। बाकी आप ये हम देखते हैं, एक दो किलोमीटर आगे पहुँच के देखते हैं आपको कैसा नजारा तो भी हमें मिलेगा। बाकी आपको आप ये क्लोजअप और एक क्लोज इन व्यू देख सकते हैं। चल ले, चल ले, चल ले।